और ये है हमारा छोटा वाला पौधा, एकदम से एकदम नीचे में कितना सारा आम फड़ा। जल्दी से आम नहीं गिर रहा है दोस्त, ये इनका घर जो है ये टूट गया है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों हम आपको आज के ब्लॉग में लेकर जाते हैं अपने आम के बगीचे में और आपको दिखाएंगे आम फल हम लोग कैसे तोड़ते हैं। मिलते हैं वहीं पर दोस्तों, तो चलते हैं अभी आम के बगीचे में। तो गाइस मेरे साथ जा रहे हैं मेरी पत्नी और मैं, और यह है हमारा RX 100। सो गाइस हम लोग आ गए हैं अपने आम के बगीचे में। यह है हमारा आम का बगीचा, इसमें छोटे छोटे पौधे लगे हैं। यह है बड़ा वाला और वो है दूसरा बड़ा वाला और उसके पीछे में है तीसरा बड़ा वाला। अब देखते हैं कितना आम मिलता है कितना नहीं, यहीं से तोड़ के लेके जाएंगे। अरे मधु तो गिर गई है। यहाँ से मुझे जंप करना पड़ेगा गाइस, ये CPT गड्ढा है जो जानवरों से सुरक्षा के लिए लगाया गया है, मतलब खोदा गया है ताकि आम के छोटे छोटे पौधे हैं इन्हें सुरक्षित किया जा सके। ये देखिए गाइस आम एकदम नीचे में है, एकदम नीचे में कितना सारा आम खड़ा हुआ है। और ये है हमारा छोटा वाला पौधा जो लगभग अभी 1.5 साल का है। मैं सोच रहा हूँ कि इसे कलम करवा दूँ, क्योंकि कलम नहीं है, कलम दशहरी वाला करवाऊंगा तो ज़्यादा ठीक रहेगा। या कौन सा वाला करवाना चाहिए आप कमेंट करके बताएंगे। जल्दी से आम नहीं गिर रहे दोस्तों, इतने हिलाने के बाद भी। वो जो आप टहनी देख रहे हैं उसे डंसी कहते हैं, डंसी में पकड़ के इतना हिलाया फिर भी नहीं गिरी, इतने सारे आम बचे हुए हैं देखिए दोस्तों। मधु अभी बड़ी वाली बांस की डंसी लेने गई है। गाइस कितना सारा आम गिरा, दोस्तों ये जो बांस है इसकी लंबाई थोड़ी कम हो जा रही थी और आम तक नहीं पहुंच पा रही थी, तो एक तो जुगाड़ किए हम लोग और इसमें दोनों डांग को इसमें जोड़ दे रहे हैं ताकि इसकी लंबाई थोड़ी बढ़ जाए और आम तक पहुंचने में कोई परेशानी। देखिए दोस्तों हम लोग इतना आम तोड़ के सक लिए हैं और फिर डांग जो है इसे वापस देने जाना पड़ेगा हमको, और हम लोग जल्दी यहाँ से निकलने वाले हैं क्योंकि प्रियांशी जाग चुकी होगी, वो रो रही होगी। आते टाइम उसको सुला कर आए थे, आपको वीडियो में नहीं बताए थे, तो चलते हैं यहाँ पर, यहाँ से हम लोग। ये दोस्तों हम लोग जा रहे हैं ये डांग को वापस देने के लिए, और यहाँ पर दरवाज़ा नहीं बनाया गया है, यहाँ पर ये जो बाड़ा है इसमें ये घेराव किया गया है, इसी में से हमको नीचे से इसमें घुस के जाना पड़ेगा, तो मैं घुस के जा रहा हूँ इसमें।
बचपन में याद है दोस्तों, हम लोग ऐसे ही छोटे छोटे ऐसे होल में से हम लोग निकल जाते थे। ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर बोरवेल भी लगाया गया है, कुछ कुछ फसल वसल लगाए हैं, खेती वेती किए होंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। और ये इनका घर जो है ये टूट गया है, यहीं पर रहते थे। ये देखिए बोर दोस्तों, मैं अब यहाँ पर हाथ पांव धो लेता हूँ क्योंकि हाथ में काफी गंदे हो गए हैं मेरे हाथ। दोस्तों आम को इस तरह से छीला जाता है, उसके बाद इस तरह से काटा जाता है, काटने के बाद इसे सुखा दिया जाता है और सूखने के बाद कलर के हिसाब से इसका रेट तय होता है दोस्तों। एकदम अगर ये एकदम सफ़ेद होगा तो इसका भाव ज़्यादा होगा, और ये जैसे ही इसका कलर लाल या काला हो जाता है इसका मूल्य जो है वो कम हो जाता है। और इससे क्या बनता है दोस्तों, इससे जो है इसे आमचूर पाउडर बनाया जाता है, और अमचूर पाउडर का उपयोग तो आप जानते ही होंगे क्या किस लिए किया जाता है। सो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। दोस्तों इस वीडियो में मैंने गांव के लोगों की दिनचर्या दिखाई है, इसमें गांव के लोग जो है वो जंगल से मिलने वाली संपदा जैसे कि आम, आम हो गया, आम महुआ चार ये सबसे वो लोग कैसे जीवन यापन करते हैं, उन्हें बेचकर कैसे आमदनी करते करते हैं, ये मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद।